सुबह सवेरे उठा 10 मैसेज आए कि भाई नारायण का गान चलो, नारायण का गान चलो, नारायण का गान चलो। भाई क्या रखा है नारायण का गान में, जबकि हमारी अपनी सिंध इतनी खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम निकले हैं खिपरों से अथुंगों के लिए, उसके बाद हम जाएंगे अछड़ोथर वाइट डिजर्ट। तो एंजॉय करने के लिए वीडियो को पूरी देखें, आगे बहुत ही मजा आने वाला है। क्या कर रहे हो? यहाँ पर यही चीज मिलती है, बाकी समोसे वगैरह लिए हमने, लेकिन अभी रिफ्रेशमेंट के लिए चीज ली हमने। यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत है, आप सिंध घूमो, सिंध के करीबी इलाकों में घूमो। अभी हम खड़े हैं अछड़ोथर वाइट डेजर्ट, आप इस इलाके को देख सकते हो कितना खूबसूरत है, और यहाँ पे आप आसपास के इलाकाई लोगों को देख सकते हो कितना यहाँ पे टूरिज्म पॉइंट कितना ब्यूटीफुल बना हुआ है। ये देखें आप, ये सारे टूरिस्ट आए हुए हैं इधर, ये सारे टूरिस्ट हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं लोग। और इसी के साथ वो ऊपर वाले जो बिट बनी हुई है, इसको हम सिंधी में बिट बोलते हैं, ठीक है, और लोग तो ड्रे भी बोलते हैं। ऊपर जाकर हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे, यहाँ की सीनरी दिखाएंगे, और अभी बारिशों का मौसम है तो आप ज़रूर घूमने आए। यहाँ के खिपरों के हमें रिहायशी लोग मिले हैं, साईं शाहजान मरी, इनसे हम बात करेंगे कि हमें नारायण कागन जाना चाहिए या हमारा ब्यूटीफुल सिंध घूमना चाहिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आप देखें कि नारायण कागन भी बंदा क्यों जाता है, वहाँ पे भी फेरी मेडोज हैं और बहुत सारे जो है अच्छे जो सीनरीज हैं और व्यूज़ हैं, और वही व्यूज़ जो है वो हमारे माशाल्लाह सिंध में है। सिंध बहुत खूबसूरत है, सिंध जो है वो बाग बहार है, सिंध के लोग भी अच्छे हैं, सिंध के जो लोग भी मेहमान नवाज हैं, सिंध का कल्चर भी रिच है। उसके बाद जो हमारे खिपरो है, जो मैं लोकल खिपरो का हूँ, तो यहाँ पे खिपरो में भी आपको जो है 50 से ज़्यादा जो है वो जो टूर पॉइंट यहाँ पे मिलेंगी। जैसे हमारे अथुंगों में बोटार लेक है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जिस पे बहुत सारे जो व्लॉगर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अभी हम लोग यहाँ पे जो एक पॉइंट पे खड़े हैं, वो पॉइंट जो है ये एक नमक की झील है, नमक की कान जैसे केवड़ा में होती है वैसे ही इधर हमारे पास नमक की झील है। केवड़ा जो है वो पंजाब में है, और यहाँ सिंध में तालुका खिपरो ज़िला सांगड़ में जो है वो नमक की झील है। मैं सबको यही कहता हूं कि नारायण कागन अगर इतना सफ़र करते हैं तो बेहतर है कि अपने सिंध के जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं दीपक भाई का, जिन्होंने जो है वो आज घूमते हुए ये चीज़ जो है वो हमें जाहिर की है, जो चीज़ें दिखाई गई हैं। इंशाल्लाह इस व्लॉग पे व्लॉग के बाद जो है लोग ज़रूर इससे मुस्तफ़ीद होंगे। बिल्कुल सर ऐसा ही, और आप देख सकते हैं यहाँ की जो सीनरी है वो नारायण कागन से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। सिंध के अंदर ये व्यू देख रहे हो जो ये अथुंगों में है, ठीक है, नारायण कागन से भी अच्छा व्यू है। यहाँ भी घूमने के बहुत पॉइंट्स है, यहाँ फैमिली टुगेदर लोग आते हैं घूमने के लिए, यहाँ घूमने के अच्छे व्यू गेस्ट हाउस है। हम ये अपील करेंगे जो नारायण कागन जाते हैं वो सिंध में आए, सिंध में भी घूमने की जगहें बहुत है। ये है यहाँ के रहायशी लोग जो यहीं पे रहते हैं, ये बहुत ही मासूम बच्चे हैं। अगर आप नारायण कागन वगैरह जाते हो ना, तो अगर ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे ना वहाँ के, तो आपसे 500,000 बिल्कुल ही लूट के जाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। वो कहेंगे हमारे इलाके में क्यों है, वो बात करने के भी पैसे लेते हैं। ये बेचारे मासूम से बस देखते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इवन आपकी फ्री में हेल्प भी कर देंगे, आपसे एक रुपया भी नहीं लेंगे। ऐसा ही है ना, आप पैसे वैसे नहीं लेते लोगों से, और यहाँ पे जो भी आता है आप उसकी मदद करते हो ना। अच्छा यहाँ पे कितने लोग आए हैं आज? यहाँ पे कितने लोग आए हैं आज? अच्छा 4-5 दिन से लोग आ रहे हैं। अच्छा तवा स्कूल स्कूल पढ़ा है या इतने ही रहता है? तवा जो को भी मना अड़ो तालीमी इदार वगैरह कोने? अच्छा अभी मैंने इन बच्चों से सवाल किया है कि आपका यहाँ पे कोई तालीमी स्कूल वगैरह या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है? बोला कुछ भी नहीं है, हम बस इधर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं और सो जाते हैं। अच्छा इतने स्कूल स्कूल छो कोने? स्कूल आए पण जाम परे है। केतरो परे तवा जी माना सवारी वगैरह के काश है कोने इतने स्कूल वणण जे लाय? ने अच्छा बंद वणणो पोंदो आ? हां बकरी जी औरी बात है। अच्छा ये बच्चे कह रहे कि यहां पे स्कूल भी नहीं है, फिर आप क्या करते हो यहां पे, ये केड़ो काम कंदा होता है इतने? लून कनुदा
लून कटना आयो बस तवा जो यही काम आ। अभी लोग पानी के उस तरफ भी जा रहे हैं और पानी के इस तरफ भी आ रहे हैं, तो यहाँ से गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है उस तरफ, तो लोग यहाँ से निकल के उस तरफ जा रहे हैं और काफ़ी लोग वापस भी आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फैमिलीज है वो पिछली झील पे खड़ी होती हैं। क्या करना आया था इतने घूमने आया? अच्छा ये केड़ी पॉइंट आ खबर ही कौन है, इनको पता भी नहीं है कौन सी पॉइंट है। देखो कितनी मोहब्बत है अपने सिंध से, फिर भी इधर घूमने आए, पंजाब नहीं गए। अच्छा इतने ब्यूब पॉइंट हुए घूमने लाए। अच्छा कौन कौन सी पॉइंट है? उर्दू नहीं आती। और खिपरों से भी काफी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे बिल्कुल करीब शहर पड़ता है। आप कहाँ से आए हो? मैं खिपरों से आया हूँ। अच्छा यहाँ पे क्या करने आए हो? हम आप यहाँ पे एंजॉय करने आए। अच्छा आप नारायण कागन क्यों नहीं गए ये मुझे बताएं। मैं हाँ बस ऐसे ही, यहाँ पे मजा ही इतना है, नारायण कागन जाने का दिल ही नहीं करता। देखो इनका भी पॉइंट यही है कि नारायण कागन से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है ये पॉइंट। आप बताएं नारायण कागन अच्छा है या हमारा सिंध? या हमारा सिंध बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बारिशें आई हुई है, अभी बहुत मौसम बेहतरीन हो गया है। अच्छा आपके कहने का मतलब है अगर ठंड हो यहाँ पे, बारिशों का मौसम खुशगवार हो, तो यहाँ पे आने का बिल्कुल बहुत ही मज़ा है। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह ही मज़ा आ रहा है हमारे को, और बहुत ही बारिश 3-4-5-6 दिन से चल रही है, और पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पे आ रहे हैं घूमने के लिए। बड़ी इंजॉय लगी हुई है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत प्यारा मौसम है। और इसी के साथ कुछ और लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी पूछेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और यहाँ पे क्या करने आए हैं। बताएं यहाँ पे आप क्या करने हैं? हम यहाँ पे घूमने के हिसाब से आए हैं। अच्छा आप नारायण कागन नहीं गए? कुछ जैसी जगह यहाँ पे भी है माशाल्लाह, नारायण कागन से तो बड़ी अच्छी जगह है ऐसी बात हमारे हिसाब से यहाँ। और ये करीब भी है आपके हिसाब से? आप कहाँ से? खिपरों से आए? बिल्कुल खिपरों से। भाई खिपरों के लोग कहते हैं कि हम यहीं पे घूमने आते हैं, और बाहर से भी आते हैं यहाँ पे? बिल्कुल आते हैं यहाँ पे, कराची हैदराबाद। अच्छा जब आपके रिलेटिव्स आते हैं वो कौन से मौसम में आते हैं, और आप इनको क्या बताना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को कि वो कौन से मौसम में यहाँ पर घूमने आए? अगस्त में। अगस्त में बेस्ट रहता है। अच्छा अगस्त में बारिशें भी चल रही होती हैं? अभी भी चल रही है। बिल्कुल चल रही है, तो मतलब अभी भी आप घूमने आ सकते हो अगस्त का पूरा सीजन, और सर्दियों में भी आ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आसपास के गांव के लोग भी आए हैं, उनसे भी हम सवाल करेंगे कि वो यहाँ पे क्यों घूमने आए। तो आप यहाँ पे क्यों आए, नारायण कागन क्यों नहीं गए? हम यहाँ पे आए खिपरों से आए, नारायण कागन की यहाँ जगह नहीं है, यहाँ माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मौसम है, और यहाँ पे तफरी जो है बहुत ही मना इंजॉय करने को मिलती है। अच्छा हाँ आप भी यहाँ पे घूमने आए? आप कहाँ से आए? हम खिपरों से। अच्छा तो भाई सबका जवाब यही है कि नारायण कागन से ज्यादा ब्यूटीफुल है हमारा सिंध, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल जी। सर आप कहाँ से आए? हम भी खिपरों से आए। अच्छा आप क्या बताना चाहोगे यहाँ के आसपास के इलाके कैसे हैं? यहाँ के आसपास के इलाके बस यही है, बारिश में यहाँ पे बहुत मज़ा आता है घूमने का, नारायण कागन की जगह ही नहीं है, बारिश के बाद तो बहुत इंजॉय हो जाता है, सब्ज हो जाता है बिल्कुल सारा इलाका। अच्छा और यहाँ पे जो बारिशों के अलावा भी कोई और दिन मतलब के और सीजन में कोई बंदा आ सकता है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल ऑल टाइम आ सकते हैं, वैसे तो गर्मियों को छोड़ के सर्दियों में, सर्दियों में भी अच्छा मौसम होता है यहाँ पे, इसलिए नमक की खान है पाकिस्तान में वैसे मशहूर है। अच्छा जी हाँ, इस प्लेस का नाम है नमक की झील। नमक की झील बिल्कुल ख्याल माशा, यहाँ पर घूमने की बड़ी तफरी है, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन अपना सामान वगैरह घर से खाने पीने के लिए लेकर आए, माशाल्लाह अच्छी तफरी होगी। यहाँ पर आवाम बहुत ही आती है घूमने के लिए, खूबसूरत मंजिल है, इंशाल्लाह 14 अगस्त पर भी बहुत ही रश होगी यहाँ पर। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप 14 अगस्त को भी यहाँ पे आओ, क्योंकि 14 अगस्त को यहाँ पे बेहद रश होती है, और लोग बाहर से जो आते हैं ना वो 14 अगस्त को आते हैं, तो रिमेम्बर याद रखना 14 अगस्त ना भूलिएगा। नमक की झील जी भाई, अच्छा तो जैसा कि आपने लोगों के कमेंट सुने कि वो नारायण कागन नहीं जाना चाहते, वो अपने ही खूबसूरत सिंध में एंजॉय करना चाहते हैं, और सिंध के इसी इलाकों में एंजॉय करना चाहते हैं, तो इससे यही लेसन मिलता है, यही कंक्लूजन निकलता है कि सिंध भी किसी से कम नहीं है,
आप पंजाब भले जाए घूमे फिरे लेकिन सिंध भी घूमे, सिंध के इलाकों को ना छोड़े और यहाँ का टूरिज्म पॉइंट को बढ़ाए। आप जितना बढ़ाएंगे उतना हमारी सिंध को ही फायदा है, तो कोशिश करें सिंध में भी आए, सिंध के इलाके भी घूमें। आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।